Hello students, I welcome to online classes. Today I am going to teach you civics chapter 2, the parliamentary form of government. So before open the chapter, I will discuss some important terms. So when you start reading this chapter, you will see some important terms. First, nominal. What is nominal? So nominal, not real, informal or ceremonial. Means कुछ लोग nominal head होते हैं. Nominal head means he has not real power, only ceremonial. यानी किसी को कुछ पद पे बैठा दिया गया है, एक ceremonial. उनके पास real power नहीं है. Next, republic. Republic, a state whose head is an elected one instead of hereditary representative. A state whose head is an elected one instead of hereditary representative. Means the head of a state as a head, जो ऐसा state जिसके head elected हो, hereditary नहीं है. मतलब के kingship में राजा जो है राजा बन जाते हैं बगैर किसी election के. हमारे country का एक example लीजिए. हमारे country, our country India is a republic. England, क्या England भी republic country है? नहीं, क्योंकि England का जो head है वो क्वीन, वो इलेक्टेड नहीं है, वो हेरिडेटरी रिप्रेजेंटेटिव है. यानी वो एक राजघराने से आ रही हैं और उनको चुना कुछ लोग वहाँ के पार्लियामेंट या वहाँ के लोगों ने परंपरा के अनुसार उन्हें अपना हेड माना, लेकिन उनके पास रियल पावर नहीं है. हमारा स्टेट इंडिया रिपब्लिक है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता है. उन्हें इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है. अगर कोई प्रेसिडेंट एक बार इलेक्ट हुए, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर, अगर दोबारा उनके बाद अगर कोई और प्रेसिडेंट बनना चाहे तो उनका बेटा बेटी उनके घर वाले नहीं बन सकते हैं जब तक कि उसका इलेक्शन ना हो. हेरिडेटरी में क्या होता है? हेरिडेटरी मतलब फादर के बाद उसका सन, फिर उसका सन, फिर उसका सन. सो दिस इज रिपब्लिक. नेक्स्ट, इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, जजेस एंड फ्यू अदर्स हायर अथॉरिटीज. इम्पीचमेंट को हिंदी में महाभियोग कहते हैं और उर्दू में मुआखजा कहते हैं. ये इम्पीचमेंट क्या है? सो अगर हमारे कंट्री में कोई भी प्रेसिडेंट, जजेस या हायर अथॉरिटीज लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये लोग किसी करप्शन में पाए जाते हैं, किसी गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको उनके पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट का सहारा लिया जाता है. यानी इन लोगों को उनके पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट का सहारा लिया जाता है. और ये इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में मोशन लाया जाता है जिसमें ये दावा किया जाता है कि ये प्रेसिडेंट या जजेस ये करप्ट है,
पाया गया कि वो गलत है, उन्होंने गलत किया और वो वहाँ प्रूफ हो जाता है और उस पर पार्लियामेंट के मेंबर वोटिंग करते हैं, मुहर लगा देते हैं कि ये हाँ ये गलत किया है, तो इनको उनके पद से हटा दिया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। नेक्स्ट वी कम टू लेजिस्लेचर। As earlier we have discussed the organs of government, there are three organs of government: first legislature, executive and judiciary. So these are the organs of governments. So what is the meaning of legislature? Legislature, law making organs of the government. Legislature ka kaam hai kanoon banana. लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है? पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। लॉ मेकिंग बॉडीज कौन कौन हो गए? पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। तो पार्लियामेंट और असेंबलीज को मिलाकर के क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, लॉ बनाना। नेक्स्ट वी कम टू एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एग्जीक्यूटिव जिसको हिंदी में कार्यपालिका कहते हैं, लेजिस्लेचर को विधायिका कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम है कि लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है, जो लॉ बनाया है, उसको इंप्लीमेंट करना है। आप देश में कोई कानून अगर बन गया और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाए, उसको लागू नहीं किया जाए, तो उसका कोई मकसद पूरा नहीं होता है। इसलिए एग्जीक्यूटिव का काम है कि पार्लियामेंट या असेंबली के बनाए हुए लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। सो लॉ इंप्लीमेंटिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। And third is judiciary. Judiciary, it means adalat, court. So judiciary, justice imparting organs of the government apart from the custodian of constitution. Judiciary का काम क्या है? Justice करना, न्याय करना। इसके अलावा judiciary को custodian of the constitution भी माना जाता है, यानी ये जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन का एक गार्जियन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह की गड़बड़ी की जा रही हो, गलत किया जा रहा हो, कोई उसमें रूल रेगुलेशन कानून ऐसा है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका ट्रू मीनिंग क्या होगा, तो जुडिशियरी यानी अदालत, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये गार्जियन है, वो उसका सही उसका इंटरप्रिटेशन करके बताएंगे। इसीलिए जुडिशियरी को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एंड जुडिशियरी का काम क्या है? सेटिंग डिस्प्यूट्स एट डिफरेंट लेवल्स। और जुडिशियरी का काम है कि जो झगड़े डिफरेंट लेवल्स का क्या मतलब है? सो वी हैव थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट सेंट्रल लेवल, सेकेंड स्टेट लेवल एंड थर्ड लोकल लेवल। तो अब ये तीनों लेवल की जो गवर्नमेंट है, इसमें अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो उसको निपटाने का काम कौन करेगी? जुडिशियरी। फॉर एग्जाम्पल कावेरी रिवर, आपने नाम सुना होगा, कावेरी रिवर कर्नाटक और तमिलनाडु में दोनों में विवाद रहता है, डिस्प्यूट रहता है। अब इस मैटर, अब कर्नाटक का कहना है ये इतना पानी मैं लूंगा, तमिलनाडु कहना है इतना पानी मैं लूंगा। अब ये दोनों, ये इतना मेरा पावर है, इतना मेरा पावर है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको सेटल कौन करेंगे? अब ऐसा कभी इस तरह का कोई झगड़ा आ जाता है किसी तरह का दो लेवल के गवर्नमेंट में, स्टेट लेवल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट में, तो उन्हें जुडिशियरी यानी अदालत में जाना होगा और कोर्ट तय करेगी क्या सही है क्या गलत है। ओके, नेक्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, बिल। सो अ प्रपोजल और रफ ड्राफ्ट।
लाया जाता है। बिल एक प्रोसीजर है कानून बनाने के, पहले बिल लाया जाता है। बिल क्या होता है? एक प्रपोजल होता है, ओपिनियन, राय, एक रफ आइडिया होता है उसमें। और वो बिल लाते हैं कि हमें इस चीजों पे कानून बनाना है, इस मुद्दे पे कानून बनाना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अभी रिसेंटली CAA कानून के बारे में आपने सुना होगा, तो वो CAA जो है पहले CAB था, कानून बनने के बाद CAA हो गया। तो वो पहले एक रफ ड्राफ्ट आया पार्लियामेंट में, उस पर डिस्कस हुई, चर्चाएं हुई, उसके बाद वो कानून लोकसभा से पास हुआ, फिर वो भी राज्यसभा में गई और राज्यसभा में भी मेजोरिटी से उसको पास किया गया। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट के कॉन्सेंट के लिए, प्रेसिडेंट ने भी उसे कॉन्सेंट मंजूरी दे दी और वो बिल जब फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मुहर लग जाता है, उनके कॉन्सेंट मिल जाती है, तो वो बिल कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। सो बिल अ प्रपोजल और रफ ड्राफ्ट ऑफ लॉ। और नेक्स्ट मनी बिल, व्हाट इज दिस? अ बिल रिलेटेड टू द टैक्सेशन और गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मींस खर्चा, खर्च यानी मनी बिल। हमारे देश में हर साल बजट आता है फरवरी के फर्स्ट वीक में, पर पहली तारीख को मनी बिल। तो उसमें क्या होता है, हमारे देश का जो सालाना ईयरली क्या खर्च है और क्या इनकम है, वो सारा उसमें मनी बिल में होता है। तो मनी बिल अ बिल रिलेटेड टू द टैक्सेशन, टैक्स के थ्रू कितना पैसा आया देश को, कितना इनकम हुआ, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और वन ईयर में कितना खर्च करना है, ये सब के बारे में उसमें पूरी डिटेल्स उस बिल में होता है कि हमारा इनकम कितना हुआ और हमारा खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वी कम टू ऑर्डिनरी बिल। सो मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा जितने भी बिल जैसे कोई भी कानून बनाना है उन सब को हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। मीन्स एनी बिल अदर देन मनी और फाइनेंस बिल, मनी बिल कहें या फाइनेंस बिल, बोथ आर सेम। सो मनी और फाइनेंस बिल के अलावा पार्लियामेंट में जितने भी बिल लाए जाते हैं पारित करने के लिए, उन सबको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आफ्टर दैट वी विल डिस्कस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंडियन पार्लियामेंट। सो व्हाट इज पार्लियामेंट? द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री। यानी हमारे देश में कानून बनाने की का जो इंस्टीट्यूशन है, सबसे हायर लॉ मेकिंग बॉडी है वो पार्लियामेंट है। अभी हमने डिस्कस किया कि कानून हर स्टेट के असेंबली में भी बनाई जाती है और पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट जो है वो सबसे सर्वपल्ली है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। यानी पार्लियामेंट जिसको हिंदी में संसद कहते हैं, पार्लियामेंट में जो लॉ बनाया जाता है वो कानून, वो लॉ ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, पूरे इंडिया के लिए। और जो स्टेट में जो लॉ बनाई जाती है वो उस पार्टिकुलर स्टेट के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू इट एम्बॉडीज एंड रिप्रेजेंट्स द सॉवरेन विल ऑफ द पीपल। ये पार्लियामेंट में हम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहां जाते हैं, वहां बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और लॉ बनाते हैं। यानी एक आम जनता का रिप्रेजेंटेशन, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उन्हें ख्याल रखना पड़ता है कि जनता का सही प्रतिनिधित्व हम पार्लियामेंट में करें, जनता को किस चीज से फायदा है, किससे नुकसान है, उससे रिलेटेड वहां पे लॉ बनाना है, कानून बनाना है। सो इन इंडिया इंडियन पार्लियामेंट इज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सो द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। फर्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। सेकंड राज्यसभा,
Lok Sabha. You can also, in English, you can say the lower house. So Rajya Sabha, that is upper house. Lok Sabha, that is lower house. Ab yahan pe Rajya Sabha aur Lok Sabha dono ko milakar, we can say the central legislature. Okay? Rajya Sabha and Lok Sabha ko milakar hum keh sakte hain central legislature. Okay? So after independence, India decided to have the parliamentary form of government. Jab hame 15 August 1947 ko jab Bharat ko azadi mili, to hamare framer of constitutions, leaders, they have decided what? Hey, India decided to have the parliamentary form of government. Hamare India mein kis tarah ki sarkar chalegi? Parliamentary form of government. Parliamentary form of government kya hota hai? So parliamentary form of government in which the entire administration is carried out in the name of president, while the real authority is exercised by the prime minister of India. Dekhiye, parliamentary form of government mein kya hota hai? Entire administration, total जो भी काम होता है सारा काम administration का प्रशासन का काम सब President of India के नाम से किया जाता है. लेकिन parliamentary form of government में President of India nominal head होते हैं, real head नहीं होते. और real power का use कौन करते हैं? Prime Minister of India और Prime Minister's Councils of Minister. ये मिला करके ये लोग रियल पावर पे यूज करते हैं. लेकिन जितने भी कानून बनाया जाता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है एक कंट्री से, हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में, सारा कुछ किसके नाम से होता है? नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से. लेकिन रियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों में होता है. सो नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस दैट the parliamentary form of government chosen in India and its futures. So, kis base pe kyun hamare framer of constitution and leaders of India parliamentary form of government ko kyun chuna, uske kya features hai? So, we will discuss in next video. Thank you for listening. Be happy and spread happiness.